हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ देवरिया के सत्यनारायण मंदिर में और आज मैं आपको इस छोटे से ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखें, मिस ना करें। तो चलिए फिर, देर किस बात की है, आइए फिर सब कुछ देखते हैं। मंदिर में बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, आइए आप खुद देखिए। कहिए भोले बाबा, अरे राम गाई परम सुख पाई तुहार। कहिए भोले बाबा, कर राम शिव अंतर भोले दानी राख पालिए। हाल सोहे अरे राम बाधम परम मृग छाल सोहे भोले दानिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आ रहा हो। तो फ्रेंड्स, ये घर पे रेडी होने से पहले मैंने अपनी सारी चीज़ें साज सिंगार का जो भी सामान होता है निकाल के रखा है। देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड की सिक्स अंगूठी, मंगलसूत्र और बहुत ढेर सारी चूड़ियाँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ढेर सारी चूड़ियाँ पहनना, तीज में ख़ासतौर पर तीज पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और फ्रेंड्स, सब कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप समझ सकते हो मैं भी व्रत थी, इसलिए मैं कुछ फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाती रहती हूँ। और मुझे तो ये पर्सनली ये व्रत बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में वाकई ज़बरदस्त भीड़ थी। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब गणेश उत्सव की जो भी कवरेज होगी मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गणेश पूजा, आप सबको कैसा लगता है आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये है देवरिया सब्जी मंडी की पहले की कवरेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।